नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अंशुल अभिजीत रहे हैं। पटना साहिब सीट के लिए सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान हुआ था। पटना साहिब लोकसभा सीट पर एनडीए की ओर से भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस की ओर से अंशुल अभिजीत चुनावी मैदान में थे। मुख्य रूप से इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला था। नए परिसीमन के बाद पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया। 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ तो यहां से भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीते। 2014 का चुनाव भी उन्होंने जीता। 2019 में पार्टी ने रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा और वो भी जीते। यानी कि यह क्षेत्र जब से अस्तित्व में आया है सीट भाजपा के पास ही रही है। शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड स्टार थे पर भाजपा में रहते हुए राजनेता के रूप में कहीं अधिक चर्चित हुए। पार्टी छोड़ी, कांग्रेस से चुनाव लड़ा और 2019 में रविशंकर प्रसाद से पराजित हो गए। इस बार के चुनाव में भी एनडीए से भाजपा प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ही मैदान में थे। उनके मुकाबले में इंडी गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंशुल अभिजीत थे। अंशुल पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के पुत्र हैं। ये भी उच्च शिक्षित हैं, विदेश से इन्होंने पढ़ाई भी की है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।